दोस्तों गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जो वैकेंसी अभी कानूनी कार्रवाई में फंस चुकी है। दोस्तों इसके बारे में आप सभी को शायद पता नहीं होगा, पर आपको बता दें कि 2017 और 2018 का रिजल्ट भी रेडी किया जा चुका है, जैसा कि इस खबर में बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और बिहार के उन छात्रों तक इसको शेयर कीजिएगा जो बीपीएससी के इस एग्ज़ाम को दिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी हाँ, मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी के लिए लगभग 1171 पदों की भर्ती निकाली गई थी। जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे लोगों ने आवेदन किए थे उसका यहाँ पे पूरा का पूरा सिनारियो बताया गया है। इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई हर वो खबर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि कोई भी एक ऐसी वैकेंसी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो ऐसा न्यूज़ होता है वो आपसे परे ना रह सके, आपसे छूट ना सके। इसलिए ये सारी वैकेंसी, ये सारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम आपको इंटीमेट करते रह रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन ना जाए, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा अगर देख रहे हैं तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, बिहार के उन छात्रों तक शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसे ग्रुप में अगर आपके दोस्त हैं बिहार से तो उनको प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेज सकें। दोस्तों हम आ चुके हैं अब इसके न्यूज़ पे, जो कि हम आपको इसके बारे में सारे चीज़ें वन बाय वन करके बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1171 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का दावा पेश किया गया है। देखिए ये नियुक्ति दाव पर लगी हुई है और इसका दावा पेश यानी कि जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो बीपीएससी के उन छात्रों के द्वारा जो कि एग्ज़ाम दिए हैं मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उन छात्रों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया है बीपीएससी को कि सर 1171 पदों का जो असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकाला गया था उसकी नियुक्ति का क्या हुआ। तो यहाँ पे बता दें आपको कि लगभग 2 साल से राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1171 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने के कारण उनकी सीनियरिटी पे दाव लगी हुई है। देखिए सीनियरिटी पे दाव लगने का क्या मतलब है यहाँ पे, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सपोज मान लो आप 2017 के कैंडिडेट हैं, आप एग्ज़ाम दिए हैं 2017 में और 2019 का जो वैकेंसी निकाला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, उस वैकेंसी के लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये 2017 और 18 का रिजल्ट यहाँ पे फंसा हुआ है कानूनी अड़चनों में, तो जिसके चलते यहाँ पे इन सब से जो 2019 के कैंडिडेट होंगे उनसे ये जूनियर लेवल पे आ जाएंगे, तो इनकी नौकरी भी बाद में लगेगी। तो यहाँ पे जो इनका सीनियरिटी जो है ये दाव पर लग चुका है, हर दिन उनको वरीयता का नुकसान हो रहा है। जबकि 2017 में शुरू हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च 2018 में पूरी कर ली गई थी। देखिए 2017 से लेकर 2018 के बीच में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मामला था उसको अटका दिया गया है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभ्यर्थी संघ ने, जो एक यूनियन है, इस एग्जामिनेशन को लेकर एक यूनियन बनाया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों के द्वारा, उन्होंने सरकार से नियुक्ति पे हस्तक्षेप करने का रास्ता निकाला है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन दावा किया है इन लोगों ने कि इस वैकेंसी का यहाँ पे कोई निवारण निकालिए, कोई सेकेंड इसका ऑप्शन निकालिए कि यहाँ से हम लोग को रिजल्ट मिल सके। दोस्तों बता दें आपको कि उनका जो कहना है कि मामला जो है अभी भी अधर पे लटका हुआ है और उनका सेवा काल तो कम होगा ही, साथ ही साथ फिलहाल वेतन मान का भी यहाँ नुकसान हो रहा है। तो सैलरी की भी बात की गई है यहाँ पे, जो कि आपको सैलरी मिल रही थी एटलीस्ट जो 2017 में ज्वाइन करते अगर कैंडिडेट तो 2 साल तक एटलीस्ट वो सैलरी तो उठा सकते थे। उनका रिजल्ट जबकि तैयार है, उनको नौकरी पे लिया नहीं जा रहा है, तो इसका एक मांग किया गया है। और ये
कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल सेवा देने के बाद जिस शिक्षक को, जी हाँ, जिस प्रोफेसर को यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए था, जिस जैसे कि यहाँ पे जो आपका आवेदन था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और ये अभी 2 साल में प्रमोट करके एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं अभी तक, तो वह अभी एक पद नीचे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये दूसरी और तीसरी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसका ये झेल रहे हैं विद्यार्थी, जो बीपीएससी जो आपके ऑफिसर जो हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन किए थे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में नियमित रूप से कनीय पदों की, जी हाँ, जो कनीय पदों की भर्ती के लिए 2017 में ही इसकी विज्ञापन जारी की थी। दोस्तों इस वैकेंसी का जो ब्यौरा था एक 2018 में भी निकाला गया था जब इसका रिजल्ट आउट होने वाला था, इसका नोटिफिकेशन मैंने दिया था उस समय, आपको ध्यान नहीं होगा, आप लोग वीडियो जाके पुराना देखना होगा आप लोगों को उसका, ठीक है। उस विज्ञापन को जारी किया गया था और संघ में जो डॉक्टर आशीष झा हैं उन्होंने कहा है कि 2018 से रिजल्ट तैयार है जबकि, और अगर इसका प्रकाशन नहीं हो रहा है तो इसके लिए अभ्यर्थी कहाँ से जिम्मेवार है, और साथ ही साथ विज्ञापन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो इसके जिम्मेवार व्यक्ति को चिन्हित किया जाना चाहिए, और 1171 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के विज्ञापन में त्रुटि के लिए अभ्यर्थी को सजा भी दी जा रही है। अभ्यर्थियों को इसकी सजा मिल रही है दोस्तों, अगर जाहिर सी बात है कोई 1171 बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, यहाँ पे पद होती है 1171, मतलब इतने सारे कैंडिडेट जो हैं बीपीएससी के थ्रू अगर जाएंगे तो सोचिए उनकी कितनी, अभी 2 साल तक का सैलरी मिला रहता तो उनका आर्थिक स्थिति सुधरा रहता। पर यहाँ पे जो कहा गया है कि 1171 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के विज्ञापन में कुछ त्रुटि के लिए अभ्यर्थियों को सजा क्यों दी जा रही है, ये एक सवाल है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से यहाँ पे बिहार के इन अभ्यर्थियों के द्वारा। और एक सवाल है कि सरकार नया मेडिकल खोलने जा रही है जहाँ पे नई नियुक्तियाँ भी होने, पुराने मेडिकल कॉलेज को भी कॉन्ट्रैक्ट के शिक्षक से चलाए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास सारी चीज़ों की कमी है और आपके पास रिजल्ट तैयार है 1171 पदों का, तो आप इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं ले रहे हैं? वही न्यू कॉलेजेस खोले जा रहे हैं आपके बिहार में मेडिकल को लेकर, तो इनकी नियुक्ति जरूरी है और नई वैकेंसी का आना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अभी फिलहाल बता दें आपको कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है इस वर्ष, और इन सभी के लिए मैं आपको पल पल की खबर से अपडेट करता रहूँगा। चाहे आप मेडिकल लाइन से हैं या फिर अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इन सब की वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी के तहत। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक ये न्यूज़ पहुँचानी थी, ताकि जितने भी छात्र ने एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, तो उन छात्रों तक ये सारा न्यूज़ पहुंच सके, ये कामना करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो से। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि इस वीडियो को बस लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बिहार के उन छात्रों तक ये सारा न्यूज़ पहुंचा सके हम जिनको इसकी ज़रूरत है। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और इस ये वीडियो आपके काम का नहीं होगा, पर ये उनके काम का ज़रूर है जो कि बिहार के स्टूडेंट हैं, तो एटलीस्ट बिहार के स्टूडेंट के लिए आप लोग एक बार शेयर कर दें उन छात्रों को जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है, और उन अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट है। शायद सरकार आपकी यहाँ पे सुनवाई सुन ले और आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द पब्लिश कर दे यहाँ पे। तो जैसे ही पब्लिश करेगा ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आप तक शेयर ज़रूर करेंगे, और बीपीएससी से जुड़ी हर वो खबर लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को दबा के, कोई नोटिफिकेशन आपके से छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों और हम अब यहाँ से विदा ले रहे हैं, और आपको बता दें कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सके कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।